भाई मेरा डॉग बाइट करता है। सर आपने अब्दुल्ला भाई मेंशन नहीं किया है कि आपका डॉग जो है वो पपी है या अडल्ट डॉग है, क्योंकि दोनों केसेस में सिनेरियो जो है ना डिफरेंट होता है। पपी की बाइट करना और एक अडल्ट डॉग की बाइट करना डिफरेंट है। पपी देखें चले बाद हम दोनों पे कर लेते हैं, ठीक है। दोनों अगर कोई दोनों चीज़ों से गुजर रहा हो, दोनों में से किसी एक चीज़ से, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं पपी पे। पपी बाइट कर रहा है, देखिए जी पपी बाइट कर रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, पपी है ठीक है, उसका काम है बाइट करना। वो बाइट प्लेफुल बाइट है, वो कोई ऐसी बाइट नहीं है कि जिससे आपको खतरा हो सके। हाँ खेल खेल में अगर आपको कोई इसका केनाइन वगैरह लग जाता है, तो वैक्सीनेशन इसीलिए होती है घर में जानवर रखने के लिए, वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि खेल खेल में आपको अगर उसका कोई केनाइन वगैरह लग भी जाता है ताकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई मसला ना हो पेश आए, ठीक है। तो दूसरी बात है जानवर है पपी है, उसके दांत निकलने हैं, दांत निकलने तो उसके मसूड़ों में खारिश होनी है, जिसकी वजह से उसने बाइट करना है खेल खेल में, ठीक है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल है कि आपका पपी आपको अक्सर मेरे घर पे ये अब ये बीच में एक ये आया हुआ नीचे फिर रहा है, ठीक है, गट्टू हमारा, ठीक है। ये कभी मेरी यहाँ से पकड़ लेगा निक्कर, कभी शर्ट पकड़ लेगा, मेरी मामा गुजर रही है उनको पकड़ लिया, उनसे जूतियाँ काटता थोड़े देर पहले, ठीक है। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा ये, ठीक है। तो हाँ इससे बचने के लिए ना आप इस तरह के टॉयज़ ला के दें इनको, ठीक है। इस तरह के टॉयज़ जब इनके पास होंगे ना तो ये आपकी बजाय जो है ना ये टॉयज़ को बाइट करेंगे, ठीक है। और मैं फिर बताता चलूँ, अक्सर मेरे दोस्त है बाप मेरे से पूछते हैं कि यार इस तरह की बाइट कर रहा है तो क्या इसको आदत तो नहीं पड़ जाएगी जिसकी वजह से बड़ा हो कि हमें सीरियस बाइट ना करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा है, ठीक है। एक घर में जब आप एक जानवर पालते हैं तो आपको कभी बाइट नहीं करता, आप अगर आपकी काउंसलिंग अच्छी है, जिस तरह आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ये भी बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो गट्टू से हेलो टू एवरीवन गट्टू, इसका नाम है जी गट्टू, ये है मेल पपी, ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। चल भाई बात करने चले। अच्छा इसके बाद आते हैं, ये टॉय हो गया, ठीक है जी। ये इस तरह का कोई भी टॉय प्लेफुल टॉय होता है ये पेट्स का, ठीक है, इसको बाइट कर सकते हैं और ठीक है। इससे अब आते हैं अडल्ट डॉग। अडल्ट डॉग अगर आपका बाइट कर रहा है सर तो फिर ये सीरियस इशू है, इसको सीरियस लें, वाकई सीरियस लें। क्यों? चूँकि देखें कभी भी हम घर में पेट रखते हैं ना तो अल्फा हमारे पेट को नहीं बल्कि हमें होना चाहिए उसका, ठीक है। उसको पता होगा कि यार मैंने इस तरह की हरकत नहीं करनी है, मेरा जो ऑनर है या मेरा जो गार्डियन है, ठीक है, वो मुझे चपेड़े लगा सकता है, ठीक है। तो चपेड़ों से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उसको जानवर को मारें, ठीक है, हमेशा मारने से जानवर बिगड़ता है, ठीक है। उसकी अच्छी काउंसलिंग करें, उसको प्यार से समझाएं, ठीक है, कि उसको पता लगे कि यार ये हरकत मैंने नहीं करनी, ठीक है। हमेशा अल्फा आपको होना चाहिए, आपके डॉग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अक्सर हम अपने कुत्तों से डर रहे होते हैं कि यार इसको खाना डालते हो इसके पास नहीं जाना, ये नहीं जाना, तो ये एग्रेशन इस तरह का नहीं आना चाहिए, ये गलत चीज़ है, ये आपकी फिर काउंसलिंग में मसला है। इसी तरह के मसले होते हैं शुरू में तो हम बड़े जी हवा छोड़ रहे होते हैं जी, ये ऐसे वैसे बड़ा जी उस पर प्राउड फील कर रहे होते हैं, और बाद में वही कुत्ते फिर हमें सेल करने पड़ जाते हैं आगे कि यार घर में रखने में मसला आ रहा है। तो कभी भी अग्रेसिव कुत्ता घर में रिकमेंड नहीं करता मैं, क्यों? चूँकि घर पर बच्चे होते हैं और बड़े बच्चों के सबको खतरा होता है अगर डॉग बाइट कर जाए, ठीक है, उसमें डॉग की गलती नहीं होती, उसमें ऑनर की गलती होती है। तो उस पर सबसे बेहतरीन हल है उसको प्यार से समझाएं, ठीक है, उसकी अच्छी काउंसलिंग करें, ठीक है, उसको हमेशा जो है डॉग को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, ठीक है। हाँ जहाँ अगर सख्ती करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर करें, जिस तरह हम अपने बच्चों पर कभी कभार सख्ती करते हैं, ठीक है, उनको अच्छा और बुरा, सही और गलत के बारे में फ़र्क बताते हैं, इसी तरह जानवर भी हमारे बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो जी बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।